दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे स्नो किंगडम मुंबई एंट्री टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, और इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों स्नो किंगडम मुंबई एंट्री टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आ जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए बुक माई शो। सर्च करने के बाद ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक माई शो का ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो पेज को पहले ओपन हो जाने देना है। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली वाली लाइन में पहले वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा मूवीज़ का, उसके बाजू में स्पोर्ट्स का, उसके बाजू में IPL 2013 का, उसके बाजू में म्यूज़िक एंड शोज़ का, उसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा सी ऑल का। तो आपको सी ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आपको अम्यूज़मेंट पार्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला वाटर पार्क का है, उसके बाजू में स्नो पार्क का देख सकते हो, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सेकंड नंबर का ऑप्शन है स्नो पार्क का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो स्नो किंगडम मुंबई का, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है डिटेल वगैरह पढ़ लीजिए और टाइमिंग वगैरह पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ वीडियोस और गैलरीज वगैरह आपको देखने को मिलेगी। नीचे बुक का बटन दिया गया रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। 650 बता रहा है, उसके आगे बुक का बटन दिया गया, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट पर आपको जाना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा 23 मई 2023। आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम स्लॉट आप किस टाइम में जाना चाहते हो। लगभग से एक घंटे का टाइमिंग रहता है वहाँ पर आपको इंजॉय करने का। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा लगभग से 2 बजे का टाइम, दोपहर में 2 बजे का टाइम ले लूँगा। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो किड्स का जो प्राइस है 650 रुपये है, एडल्ट का 750 रुपये। अब यहाँ पर आपके साथ कितने बच्चे हैं, एक है, दो है, तीन है, यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। कोई चाइल्ड आपके साथ नहीं है तो आपको ऐड नहीं करना है। आप कितने लोग हो, आप कितने एडल्ट हो, यानी आप एक हो, दो हो, चार हो, आप ग्रुप में जा रहे हो, तो आप जितने भी पर्सन के साथ जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जिसके भी साथ जा रहे हो, कितने एडल्ट है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ पर सिंगल कर लूँगा। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। उसके बाद प्रोसेस का बटन देखने को मिल रहा है आपको रेड कलर का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है फुल नेम डालना है, तो यहाँ पर नाम डाल लेना है आपको अपना। उसके बाद उसके नीचे ईमेल आईडी आपको डाल लेना है, सही से डालना है ईमेल आईडी, ताकि आपकी जो बुकिंग की डिटेल है वो आपके मेल पर बआसानी आ जाए। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है अपना खुद का, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है देख सकते हो। उसके बाद सबमिट की बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका टिकट का डिटेल जो है यहाँ पर देगी, पहले बताएगा आपको टिकट जो है पिकअप करना है बॉक्स ऑफिस में जाकर। आप जब भी एंट्री लोगे, जिस डेट का भी आप है आपका है, उससे आप जो है थोड़ा पहले जाइए और वहाँ से टिकट कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हो उसके ऊपर ऑलरेडी टिक मार्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एड्रेस पूरा पढ़ लेना है, यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है देख सकते हो। यहाँ पर स्नो किंगडम मुंबई का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको जो है बुकिंग फ़ीस जो लग रही है 44 रुपये 26 पैसा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको GST कितना लगा है, CGST SGST कितना लगा है, यहाँ पर आपको बता देगा। उसके बाद कंटिन्यू जो हो रहा है 994 रुपये 26 पैसा, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पे का रेड कलर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको ईमेल आईडी डाल लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद सबमिट की बटन पर क्लिक कर लेना है रेड कलर की। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको 1 रुपया अगर डोनेशन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ रिम्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई कोड वगैरह है तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोमो कोड डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको
जो है ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल दी गई है, पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पे का रेड कलर का बटन दिया गया, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, UPI वाले पर क्लिक कर लेना है। सीधा साधा ऑप्शन है, UPI पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पे से, फ़ोनपे से, अमेज़ोन पे से किससे करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर ले लूँगा लगभग से फ़ोनपे का ऑप्शन। फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ़ोनपे की ID डाल लूँगा। उसके बाद सबमिट की बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ गया। हमारे को मैसेज आ जाएगा फ़ोनपे की तरफ से। अगर मैसेज नहीं आता है तो बीच की बटन दबाकर आपको फ़ोनपे पर चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हो मैसेज आ गया, पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपको डायरेक्ट लेकर जाएगा फ़ोनपे पर। फ़ोनपे पर आने के बाद पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI पिन डाल लेना है। UPI पिन डालने के बाद आपकी बैंक की बैंक से जो भी है अमाउंट कट हो जाएगी, आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर PDF फाइल आ जाएगी जीरोक्स जिसका आप निकलवा कर रख सकते हो। यही नहीं, आपकी स्क्रीन पर बुकिंग की पूरी डिटेल आ जाएगी जिसका आप याद से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और जब भी आप वहां पर जाओगे वो बताकर बॉक्स ऑफिस से अपना सबसे पहले टिकट लीजिए, और वहां पर जाकर जो है टिकट जहां भी बताना रहता है वहां पर बताकर अंदर एंट्री ले सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकन दबाता है कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और हाँ कमेंट में जरूर लिखे। ओके, जय हिंद।